खरगोन से निकली नवग्रह पंचक्रोशी यात्रा नागझिरी पहुंची, जहां संत श्री बोंद्रू बाबा समाधि स्थल पर रात भर भजन कीर्तन का दौर चला। इसके बाद सुबह भावभीनी विदाई दी गई। खरगोन से निकली पंचक्रोशी यात्रा को नागझिरी वासियों ने भावभीनी विदाई दी। नवग्रह मंदिर खरगोन से रविवार को प्रारंभ हुई पंचक्रोशी यात्रा दोपहर बाद नागझिरी पहुंची, जहां स्थानीय बस स्टैंड पर ग्रामीणों द्वारा यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। यात्रियों को अपने पहले पड़ाव में संत श्री बोंद्रू बाबा समाधि स्थल पहुंचना था। यहां रात में सर्दी के बावजूद भी श्रद्धालु भक्ति और मस्ती में झूमते गाते नजर आए। श्रद्धालुओं ने संत की महिमा का गुणगान किया। यात्रा में शामिल करीब 6000 यात्रियों के लिए ग्रामवासियों द्वारा भंडारे का आयोजन भी किया गया। सोमवार सुबह यात्रियों को अल्पाहार कराकर भावभीनी विदाई दी गई। यात्रा में मेनगांव थाना पुलिस प्रशासन, ग्राम पंचायत, आरती सेवा समिति, मनमोहन गौशाला, ग्राम सुरक्षा समिति सहित सभी ग्रामीण जनों का विशेष सहयोग रहा। क्रमशः 28 पंचकोशी यात्राओं का उन्होंने शुभारंभ किया। इसी क्रम में नवग्रह पंचकोशी यात्रा का भी उनके द्वारा प्रेरणा देने के पश्चात वर्ष 2008 में उसकी शुरुआत की गई, और इसका प्रमुख उद्देश्य निमाड़ की सुख शांति और वर्षा, इस भावना को लेकर के उन्होंने उनके जो साथ के थे, उनके सहयोगी थे, उनको वो कहते थे कि निमाड़ में सुख शांति और वर्षा की भावना, उनकी कामना को लेकर के आप नवग्रह पंचकोशी यात्रा में को भी प्रारंभ करें, और मां नर्मदा की अन्य परिक्रमाओं के समान ही ये परिक्रमा भी सतत हमेशा चलती रहेगी, और सनातन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अवगत कराया।